वहाँ पर तीन कल्याणी भी, मतलब कल्याणी में तीन यूनिट है, कैंप है वहाँ पर, बीएसएफ का कैंप है, जो है 153, 158 एंड 112। गो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुराज रहा है और कल्याणी के बारे में हम कुछ वहाँ पर आए हैं, वहाँ पर देख के एनालाइज करके आए हैं। तो वहाँ पर तीन यूनिट है, 152, 158 एंड 112, तीन यूनिट है। और वहाँ पर ग्राउंड का लेवल मतलब पिच रोड जैसा है। आपको फर्स्टली क्या है कि आपको 4:30 बजे वहाँ पर एंट्री होगा। एंट्री होने के बाद फिर डॉक्यूमेंट थोड़ा चेक होगा, ज़्यादा हार्ड डॉक्यूमेंट चेक नहीं होता पहले। हाइट के लिए क्या प्रोसेस है वहाँ पे? हाइट के लिए प्रोसेस उतना मतलब पर हाइट चाहिए, लेकिन उतना जो परफेक्ट है 170 परफेक्ट है उतना ही ज़्यादा। ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड पीच रोड है, एक किलोमीटर का है, मतलब हाँ। तीन यूनिट है वहाँ पर, उसमें कोई दो यूनिट में रनिंग होता है। दो यूनिट में रनिंग होता है, एक है जो पीच रोड है जो एक किलोमीटर का ग्राउंड है, हाँ। आपको पांच चक्कर मारने पड़ेंगे, और एक है 2.5 किलोमीटर में अप डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ पर एक तो 1 किलोमीटर का, हाँ, मतलब पांच राउंड, हाँ, एक तो 1 किलोमीटर का पांच राउंड, हाँ। और एक है 2.5 किलोमीटर का जो अप डाउन मारना पड़ेगा आपको। अच्छा, और एक बात हम बोलना चाहते हैं कि वो लोग कोई हिसाब से मतलब कि सुबह रनिंग करवाएगा कि दोपहर को कि शाम को, कोई ठीक नहीं है। सब ऑफिसर लोग का जब मन करे, मतलब वो लोग का जैसे दिमाग से जब करता है वो लोग कर देते हैं। लेकिन मेरा फ्रेंड था एक जो गया, वो लोग 12 बजे रनिंग करवाए, जिससे वो लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ कि किसी का नहीं निकला। रोल नंबर लाइन कैसा लग रहा है? रोल नंबर हिसाब से या नॉर्मल? वो बता नहीं पाएंगे ठीक से, वो लोग का मन से, अगर रोल नंबर वाइज करे तो रोल नंबर वाइज, नहीं तो ऐसे भी एंट्री करवा दे, मतलब ऐसे ही जो आया पहले उसको करवा दे, बैच बनवा दे, इसका कोई ठीक नहीं है। वो लोग मतलब ऑफिसर लोग का हिसाब से हो रहा है। वो लोग जो रनिंग होने के बाद आपको 2-3 घंटा मतलब रेस्ट करने के लिए बैठा देंगे, उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट थोड़ा चेक होता है, और हाइट फाइट उसके बाद चेंज नहीं होता, सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक होता है, और उसके बाद मतलब जो क्वालिफाइड वो लोग वेरीफाइड करके भेज देते हैं, या जो नहीं है वो लोग को रिजेक्शन हो जाता है। और एक बात बोलना चाहते हैं आपको कि आप लोग जाइएगा तो प्लीज़ ग्लूकोन डी जरूर रखिएगा, क्योंकि कोई ठीक नहीं है, इतना हैरेसमेंट होने के बाद वहाँ पर दौड़ाना पड़ता है। हम लोग 4:30 बजे चल जाते हैं, कितना देर तक रुकने के बाद 12 बजे 11 बजे ऐसे दौड़ाते हैं, तो ग्लूकोन डी जरूर रखिएगा। और एक मतलब रेड बुल होता है, तो जिसको आदत है रेड बुल पीने का वो पिए, और नहीं तो मत पिए, क्योंकि जो पहले बार पीता है तो लोग को कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो राजीव टाइप का अनकम्फर्टेबल लगता है। तो ग्लूकोन डी जरूर रखिएगा, ये नहीं कि एक बार में पी जाए, वैसे नहीं, थोड़ा थोड़ा एक घूट कर करके वैसे पिएगा कि एनर्जी का लेवल हम लोग के बॉडी में बना रहे, क्योंकि हम लोग का हैरेसमेंट हो जाता है वहाँ पर। डॉक्यूमेंट क्या लगता है? डॉक्यूमेंट आपका जितना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करके जाइएगा, कोई भी मतलब निगलेक्ट मत कीजिएगा, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, कि वहाँ पर क्या पूछ दे क्या नहीं पूछ दे हमको भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, कुछ भी मन वो लोग पूछ सकता है। तो डॉक्यूमेंट प्लीज़ सारा ओरिजिनल कैरी करके ले जाइए। अगर और उसके बाद कैरी मतलब खाने पीना कैरी क्या करेगा? खाना पीना कैरी मतलब नॉर्मली जो केक होता है, बिस्किट होता है, ये सब रखिएगा। और मेरा ख्याल से एक काम कीजिएगा कि बोतल में चना रख दीजिएगा, उसको फुला लीजिएगा, उस वो भी पानी में क्या कीजिएगा कि मीठा है मीठा भी डाल दीजिएगा, वो मतलब बहुत फ़ायदेमंद होता है, बॉडी ठंडा रहता है, हाँ, मीठा पानी रहता है, बॉडी ठंडा रहता है, एनर्जी भी रहता है उसमें। तो ये सब रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत देर तक वहाँ रुकाएंगे, आपको मतलब कम से कम रात का 7-8 बज जाएगा, और वहाँ से आपको छोड़ेंगे, तो ये सब कैरी जरूर कीजिएगा, एनर्जी बना रहेगा बॉडी में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना आपको, तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम मतलब आपको विदिन 5 मिनट में आपको आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और यही बोलना चाहते हैं, ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद। सब घूरने के बाद एक आपसे रिक्वेस्ट करें, कुछ भी फालतू का चीज़ मत कीजिएगा, जैसे आपको मतलब रनिंग क्लियर हो गया उसके बाद एकदम निगलेक्ट नहीं, आप अपना ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी कुछ भी मतलब देखो, लड़का भी अच्छा नहीं होता है, कोई लड़का भी मतलब जेले साइड होता है, गाड़ी उड़ी चलाना नहीं, एकदम मतलब अपना सेफ्टी बना कर, 2 महीने के अंदर मेडिकल हो जाएगा ना, 2 महीने के अंदर मेडिकल हो जाएगा, इसलिए अपना सेफ्टी बना कर रखना, कि अगर रनिंग क्लियर हो जाए उसके बाद कोई मेडिकल में मेरा एक्सीडेंट हो गया कुछ भी है, तो ऐसा कुछ ना होना चाहिए, खराब लगता है। दोस्तों खुश रहिए, मजे कीजिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।